24 दिसंबर को आयोजित होने वाला श्री बालाजी महाराज का 16वां वार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। आगामी 16वें वार्षिक उत्सव को सफल बनाने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में श्री मेहंदीपुर बालाजी जन कल्याण समिति के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने महानगर की जनता को कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाला है? जैसा कि हम सब जानते हैं, मुरादाबाद में असंख्य भक्त हैं बालाजी महाराज के। उनमें से एक श्री मदन गोपाल रस्तोगी जी, जो बालाजी के चरणों में अटूट श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, जिन्होंने बालाजी महाराज के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है, उन्हीं के सतत प्रयासों से इस वर्ष 16वां आयोजन बड़ी भव्यता के साथ यहाँ पर आयोजन होगा। इसमें 24 दिसंबर को बहुत भव्य शोभा यात्रा आरएम इंटर कॉलेज से दोपहर बाद 2 बजे प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए गंगा मंदिर किसरौर पर जाकर के रुकेगी। उसके बाद 25 तारीख को और 26 तारीख को वही यानी गंगा मंदिर किसरौल में बालाजी महाराज का गुणगान होगा, उनके प्रति समर्पित भक्ति गीत होंगे, उनके लिए यज्ञ और हवन होंगे, विशाल भंडारा होगा और बहुत सारे लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुरादाबाद ही नहीं बल्कि मुरादाबाद से आसपास की जनता भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। श्री विनय गुप्ता जी, श्री निमिष रस्तोगी जी, श्री विशाल गुप्ता जी, अनेक लोग, किस किस के नाम बताऊं, क्योंकि हर व्यक्ति बालाजी के चरणों में अपनी प्रीति रखता है और अपनी श्रद्धा रखता है। पूरे कार्यक्रम को बहुत भव्यता के साथ आयोजित किया जाता है। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इस वर्ष 16वां आयोजन होगा, जिसमें हमारी पूरे महानगर ही नहीं दूर दराज के लोगों से भी ये अपील है कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। और इसके लिए मैं विशेषकर श्री मोदी है, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि जिस भक्ति भावना से ये कार्यक्रम करते हैं वो निश्चित तौर से प्रशंसनीय है। उनके ऊपर और उनके सभी भक्तों के ऊपर बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।